हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिजिक्स क्लास में न्यूमेरिकल करने के लिए स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 2 की क्लास 12 फिजिक्स में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम उन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं जो पहले आसान आसान है या जो एक नंबर या दो नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे उन न्यूमेरिकल से जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है या जो हमारे स्टेट बोर्ड की बुक्स पर हमारे जो क्वेश्चन प्रिंटेड है, मैं उन क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर लूंगा। पहले ले लेता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स passed from A to B in 10 to the power minus 3 second, calculate the strength of the current and give its direction. तो सबसे पहले कि जैसे कि हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 to the power 9 और हमें टाइम दिया हुआ है यहां पर 10 to the power minus 3 second। तो जैसे कि हम यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे Q इज इक्वल टू आई टी यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। तो हमें ये भी पता है कि Q यहाँ पर बराबर होता है एनई के, तो एनई बराबर हो जाएगा यहाँ पे आई टी और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमें आई निकालना है तो आई बराबर हो गया एनई अपॉन टी। तो अब हम यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है उनको रख लेते हैं, एन की जगह 10 टेरिस पावर 9 और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टेरिस पावर माइनस 19 और टाइम दिया हुआ है 10 टेरिस पावर माइनस 3 सेकंड। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास विद्युत धारा बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एम्पियर और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो हो जाएगी बी एंड से ए की तरफ यानी बी टू ए। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कि इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स मेक 6 इंटू 10 टू द पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट विल बी द करंट इन द ऑर्बिट। तो जो जो चीजें हमारे पास यहाँ पे गिवन है जैसे n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 15 करंट हमें निकालना है और रिवोल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ है ये, तो हम कह सकते हैं कि हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो मान होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी और फिर यहाँ पर आई हो जाएगा क्यू अपॉन टी और हम फिर कह सकते हैं कि जो टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से ये हो जाएगा 1/T इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू इंटू एन यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 6 इंटू 10 पावर 15। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 एम्पियर और जो बराबर हो जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। अब हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 90 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 75 मिनट इन अ सिल्वर वायर ऑफ डायमीटर 1 mm, द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज 5.8 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब, फाइंड करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द गिवन वायर। तो जैसे कि जो यहाँ पर हमें गिवन है उसको हम देख लेते हैं, तो क्यू हमें दे रखा है 90 कूलम, डायमीटर ऑफ द वायर हमें दे रखा है 1 mm और यहाँ पर टाइम दे रखा है 75 मिनट यानी 75 इंटू 60 सेकंड और हमें पता है कि n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5.8 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमें करंट निकालना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो ये हम फॉर्मूला लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू आई टी, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन टी, तो दैट इज इक्वल टू 90 अपॉन 75 इंटू 60 और ये बराबर हो जाएगा 0.02 एम्पियर। अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास होता है आई अपॉन एन ई ए, तो ये हमारे पास चूंकि हमें पता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू जो हमारे पास हो जाएगा वो एन ई ए वी डी या वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन एन ई और एरिया की जगह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये एक जो वायर दी हुई है उसका हमने एक सर्कुलर लूप का एरिया ले लिया। इसी तरह से वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो आई की जगह हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 5.8 इंटू 10 पावर 28 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, पाई का वैल्यू रख देंगे 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 0.02 डिवाइडेड बाई 5.8 इंटू 1.6 इंटू 3.14 इंटू 10 पावर 3 इंटू 0.25, तो जिसे सॉल्व करके आ जाएगा 2.75 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर पर सेकंड।